एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किस तरह से करना है आपको, देखिए इस एंगल को मैं वन दे देता हूं, इस एंगल को पूरे आर ओ एस को मैंने दे दिया, दिस इज आर ओ एस वन एंगल, QOS यानी पूरा एंगल मैंने 2 ले लिया है, ये पूरा एंगल 2 हो गया, और ROS हो गया है, POS लेता हूं मैं तो POS अपना 3 हो गया, तो कहने का मतलब है ROS आपका हो गया है 1 एंगल 1 by 2, और QOS आपका हो गया है एंगल 2 माइनस POS यानी एंगल 3, यानी ये प्रूव करना है आपको, तो देखते जाइए किस तरह से प्रूव होगा। यहां पर लिखते हैं हम प्रूफ, प्रूफ में अब स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे दिस इज द 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री हो गया, यानी 3 + 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए ये 3 + 1 तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 90 है, तो इधर वाले एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब आप चलते हैं आगे, तो यहां पर देखते हैं आप कि एंगल 3 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्लियर है। तो यहां पर देखिए 3 + 2 यानी 3 और ये पूरा 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 3 और 1 हमने ले लिया, 3 और 1 आ चुका है, 2 नहीं आया है हमारे पास में रिलेशन में, तो 2 लेने के लिए मेरे को ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा 3 और 2, और ये हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब मैं क्या करता हूं, इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में आ जाता है ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1, सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 180 डिग्री हो गया, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई 2 और ये इक्वेशन हो गई 3, तो इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 3 से हमारे पास में क्या आ गया, 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एंगल 2, क्लियर है बच्चों। तो यहां पर देखिए हमारे पास में दोनों इक्वेशन 180 डिग्री आ गई है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, और आप देखते हैं कि दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर देता हूं, आपने यहां पर देखा कि 2 इज इक्वल टू 3, इस 2 इज इक्वल टू 3 को बनाने के लिए 90 डिग्री को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूं, एंगल 1 को अपने पकड़ के रखता हूं इस जगह, तो यानी 2 एंगल 1 इज इक्वल टू इसको उधर भेज देता हूं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 और ये इधर गया तो माइनस 2 एंगल 3 हो गया। अब आप यहां पर देखिए कि 3 और 3 यानी कि दोनों एंगल एक यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो माइनस कर दीजिए तो एंगल 2 माइनस एंगल 3 हो गया ये। अब आप देखिए 2 का डिवाइड कर दीजिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3, आपके पास में आंसर आ गया, ये देख लीजिए आप, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल 2 आपका है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस एंगल 3 ये है, तो ये हैंस प्रूफ इस तरह से आपका आंसर आया। तो देखिए आप बहुत इजी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं इस इजी तरीके से ही आप लोगों को इसे सॉल्व करना है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। रीजन जरूर लिखिए इसमें, रीजन अगर इस तरह से आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रूव करने के लिए।